अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ओपन पोर्ट्स के मुताल्लिक। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आप लोगों का इंतज़ार हो गया ख़त्म। मैं लेकर आ चुकी हूँ इस वीडियो ओपन पोर्ट्स के रिलेटेड। तो चलिए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगी ओपन पोर्ट्स होते क्या हैं, ओपन पोर्ट्स क्यों होते हैं, अगर ओपन पोर्ट्स अगर आपको हो गए हैं तो होममेड रेमेडी से इसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाए। तो वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देख लीजिएगा, ताकि आपको बहुत ही ये होममेड रेमेडी इफ़ेक्टिव होने वाली है और कुछ थोड़ी सी नॉलेज भी आपको ओपन पोर्ट्स के बारे में मिल जाएगी। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देख लीजिएगा आप। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। माइनर पोर्ट्स होते हैं हमारे स्किन पर, जिससे कि हमारी स्किन सांस लेती है। छोटे छोटे पोर्ट्स होते हैं ना हमारे स्किन पर, जो कि हम आपको फेस पर दिक्कत नहीं आते, उसे माइनर पोर्ट्स कहते हैं। वो हमारी स्किन पर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से हमारी स्किन सांस लेती है। तब वो माइनर पोर्ट्स एनलार्ज हो जाते हैं, तो उसे ओपन पोर्ट्स कहा जाता है, क्योंकि वो अपने स्किन पर दिखने लगते हैं। माइनर पोर्स स्किन पर नहीं दिखेंगे, लेकिन जैसे ही माइनर पोर्स एनलार्ज होते रहेंगी ना, तो वैसे ही दिखने लगेंगे। स्पेशली ये प्रॉब्लम ज़्यादातर ऑयली स्किन में पाई जाती है ओपन पोर्स की, और साथ ही साथ ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन में भी होती है, लेकिन इनकी मुद्दत ज़्यादातर ऑयली स्किन पर होती है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि ओपन पोर्स होते हैं, ये अगर पोर्स ओपन हो तो उन पर डस्ट और स्मोक, जो भी आप मेकअप के प्रोडक्ट्स अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स डस्ट या स्मोक या कुछ भी पोल्यूशन हो, जाकर वहाँ पर ओपन पोर्स में जम जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे कि आपको फेस आपका फेस बहुत ही डल दिखने लगेगा, बहुत ही बेजान दिखने लगेगा, और ड्राइनेस भी आपके फेस पर नज़र आएंगी। अगर आपके फेस पर ये प्रॉब्लम्स है तो आप टेंशन मत लीजिए, इसकी भी मैं रेमेडी आपको बताऊंगी आगे चलकर वीडियो में। तो फिलहाल मैं बता दूं, अगर आपके फेस पर डलनेस है, ड्राइनेस है, और ये डलनेस और ड्राइनेस बढ़ावा किसे देता है हमारे फेस पर, एक्ने स्कार्स भी होते हैं इसकी वजह से, और इससे हमारे एक्ने पिंपल्स भी होते हैं, पिंपल्स होते हैं, और वाइट हेड्स भी होते हैं, ब्लैक हेड्स भी होते हैं। ये सारी फसाद की जड़ होती है ओपन पोर्स। फिलहाल देखा गया तो ओपन पोर्स जो है स्किन के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि स्किन वहाँ से सांस लेती है और उसे बहुत ही आसान हो जाएगा जब पोर ओपन टोटली ओपन होगा तो, और बहुत ही अच्छा हो उन स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, जैसे कि आप समझ रहे हैं ना, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो जैसे कि हम बता दें, अगर ओपन पोर्स हमारे फेस पर रहें तो हमारी फेस एक अच्छी फिनिश नहीं देगी, सॉफ्ट और स्मूथ नहीं दिखेगी, बहुत दर्दरी टाइप दिखेगी, ऐसा कोई नहीं चाहता। तो ओपन पोर्स के रिलेटेड मैं बता दूँ, अगर ओपन पोर्स है तो चेहरे का लुक फ्लॉलेस फिनिश नहीं देगा और हेल्दी लुक भी नहीं देगा, ताकि ये आप लोग नहीं चाहते। तो इसके लिए फिक्र ना करें आप, मैं एक रेमेडी लेकर आ चुकी हूँ, तो आप मेरे वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए, ताकि आपको ये रेमेडी 100% इफ़ेक्टिव होने वाली है। तो मैं बता दूँ, वक्त ज़ाया ना करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन का भी बटन ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरे इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं होममेड रेमेडी, जो कि हमारे ओपन पोर्ट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे कि आप यहाँ पर इस वीडियो में देख रही हैं, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ग्राम फ्लोर लिया हुआ है, और थोड़ा सा टमाटो पल्प लिया हुआ है, और ये ब्लैक सीड पाउडर है, जो कि कलौंजी भी हमें सादे लैंग्वेज में कलौंजी भी हम बोलते हैं। तो ये पाउडर आप मैंने घर पर ही बनाया हुआ, इसे ग्राइंडर में मैंने चला लिया था, इस थोड़े से ब्लैक सीड्स को लेकर। और मैं बता दूं, अगर आप बाहर भी मार्केट में अवेलेबल है, अगर आप बाहर का ले सकते हैं, या घर पर ही आप कलौंजी का पाउडर बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। तो हमने यहाँ पर लिया है ये डाबर हनी। नेक्स्ट हम यहाँ पर ले रही हैं ये बंजारास का प्रीमियम रोज़ वाटर है, और अब यहाँ पर हमने लिया है मुल्तानी मिट्टी, ये भी बंजारास की ही है। अब हम इसे कर लेते हैं एक बॉल में ट्रांसफ़र थोड़ा थोड़ा करके। तो हम फर्स्ट, जैसे कि जब भी आप कौन सा भी फेस पैक बनाओ, तो सुबह पहले जो भी पाउडर लाइक मटेरियल होता है, तो उसे हम पहले सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा चने का आटा ग्राम फ्लोर, जो कि
मैं बता दूं आपको कि ग्राउंड फ्लोर के बारे में मैंने सब कुछ अपने वीडियो पर रख दिया है, आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देख लीजिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में ही मिल जाएंगे। और अब हमने यहाँ पर लिया है 1.5 टेबल स्पून, चलो 2 टेबल स्पून कर लेते हैं, आप अपने फेस के अकॉर्डिंग इसे ले सकते हैं। ये लीजिए मैंने ग्राउंड फ्लोर ले लिया है और अब इसमें हम ऐड करेंगे ये कलौंजी का पाउडर भाई, जो कि हमारे ओपन पॉट्स में मेन इंग्रेडिएंट माना जाता है। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, इसे कर लेते हैं हम अच्छे से मिक्स 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 मिक्स। ये लीजिए ये हो रहा है अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पर मैं ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। और अब ये हो गया, अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं ये मुल्तानी मिट्टी का पाउडर। ये लीजिए मैंने मुल्तानी मिट्टी का पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर लिया और इसे अब हम कर लेना अच्छे से मिक्स 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 मिक्स। बहुत कलर ही चेंज हो गया भाई इस फेस पैक का, तो आप इसे अल्टरनेट डेज लगा सकते हैं। इसे अच्छे से तीन पाउडर भी इंग्रेडिएंट्स जो भी हमने डाले हैं ना इसके अंदर, ये अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि बहुत ही अच्छा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, हमें तब तक मिक्स करना है इसे। और अब हम नेक्स्ट डालते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट हम डालते हैं इसके अंदर, मैंने 1 टमाटो लिया है, पूरा ही डालना है हमें क्योंकि हमें अच्छी इस ये सारे ही कॉन्सिस्टेंसी ही हमें उसको फेस पैक को मिलाना है, कुछ वाटर ऐड नहीं करना है। तो मैंने पूरा 1 टमाटर छोटा सा लिया था, आपके पास अगर बड़ा है टमाटर तो आप उसमें से आधा ले सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास बहुत छोटा था तो मैंने टोटल 1 टमाटर ले लिया है। अब इसे हमें कर लेना अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स। आफ्टर मिक्सिंग के बाद इस तरह से इसका पेस्ट दिखने लगेगा, आपको तब तक मिक्स करना है, कुछ वाटर वाटर ऐड नहीं करना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे हनी, आप देख ले सकते हैं मैंने वो टोटल 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करती हूँ। ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छी है, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इस हनी को भी स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डाल लिया है 1 टेबल स्पून हनी। अब इसमें हम ऐड करते हैं रोज़ वाटर, अब ये देख लीजिए मैंने इस तरह से इसके अंदर रोज़ वाटर ऐड करती हूँ, 1 टेबल स्पून ऐड करना है आपको। ये हो गया मेरा 1 टेबल स्पून, मैंने और थोड़ा सा ऐड करती हूँ 1/2 टेबल स्पून। ये उप्स स्लोली स्लोली करना है, तो ये भी हो गया 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून टोटल मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर डाला है। अब इसे कर लेना है मैं अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स। तो ये रोज़ वाटर ऐड करने के बाद मैंने इसे मिक्स कर लिया था अच्छे से, तो इस तरह का पेस्ट बन जाएगा। ये थोड़ा स्टिकी स्टिकी रहेगा क्योंकि इसके अंदर हमने कलौंजी ऐड की है, तो कलौंजी बहुत ही स्टिकी इंग्रेडिएंट है और ये बहुत ही अच्छा हमारे कलौंजी जैसे कि हमारे ओपन पोर्स में से सारा डर्ट रिमूव करती है, तो इसलिए स्टिकी स्टिकी फॉर्म में रहेगा। इसी तरह का ही आपका पेस्ट बनेगा, आप देख ले सकते हैं इसी तरह का बनेगा, कुछ लिक्विड टाइप में नहीं बनेगा, आपको इसी तरह से अप्लाई करना है अपने फेस पे। तो मैं अभी आपको इसे अप्लाई करके बता दूंगी इसका किस तरह से आप अप्लाई करना है। जैसे कि आपने अभी देखा है मैंने किस तरह से होम मेड इंग्रेडिएंट से ही अपने ओपन पोर्स का रेमेडी बता दी है, तो आप जल्द से जल्द इसे ट्राई कीजिए और मुझे नीचे कमेंट्स कीजिए कि आपको कितनी इफ़ेक्टिव रही। तो फ़िलहाल मैं बता दूँ इसकी एक स्टोरी, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन पर तो कुछ ओपन पोर्स नहीं है, तो मैंने इस रेमेडी को किस तरह से ढूंढ निकाला है। तो मेरी एक फ्रेंड थी श्रेया, जो कि बहुत ही ओपन पोर्स के प्रॉब्लम से फेस कर रही थी और उसके फेस पर ज़्यादातर वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स ये सारे हो चुके थे क्योंकि पोर्स की एनलार्जमेंट बढ़ती ही जा रही थी। तो जैसे ही उसको पता चला कि मैंने एक यूट्यूब पर चैनल खोला है हर होम रेमेडीज़ देती हूँ, तो उसने मुझे फौरी कॉल किया और बताया कि अगर तू ओपन पोर्स के लिए कुछ रेमेडी बता देगी तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और शायद कुछ हेल्प हो जाए तेरी वीडियो में। तो उसने ऐसा कॉल करके बताया, तो मैंने सोचा साथ साथ उसको क्लू देने के बदल मैं क्यों ना यूट्यूब चैनल पर ही वीडियो बता दूँ ताकि मेरे फॉलोअर्स को भी पता चले, मेरे सब्सक्राइबर्स को भी पता चले कि किस तरह से मैंने ओपन पोर्स की रेमेडी बनाई है। फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फेस पर तो कुछ ओपन पोर्स नहीं हैं
अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मुझे ना ये प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्रॉब्लम जब आती है ना तो फेस इतना ख़राब दिखने लगता है यार कि हम फंक्शंस का नाम ही लेना छोड़ देते हैं। तो मैं बता दूँ तो मैंने सोचा कि मेरी फ्रेंड के लिए सजेशन करते हुए तो मैंने बहुत सारे रेमेडीज़ बताए हैं उनसे जो कि इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दी, तो लास्ट एंड फाइनली मैं ये रेमेडी उसको बता दी थी। तो उसने 116 यूज़ किया है और उसे कि इतने अच्छे इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिले हैं कि वो मुझे बस कॉल करती है थैंक यू बोले जाती है जिसका कोई हद ही नहीं है। उसका स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। तो ये स्टोरी थी मेरे ओपन पोर्ट्स के बारे में, ताकि मैं ये रेमेडी किस तरह से ढूंढ निकाला है। तो ये फ़िलहाल 1 महीने से यूज़ कर रही है वो, तो वो बहुत ही अच्छा, उसको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये आपके साथ भी शेयर कर दी रेमेडी। तो अभी आपने देखा मैंने किस तरह से ये होममेड रेमेडी से ही अपने ओपन पोर्ट्स के ट्रीटमेंट मैंने बताया है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। तो जैसे कि मैंने इसके अंदर कुछ मटेरियल्स डाले हैं, इंग्रेडिएंट्स घर पर ही आपको ईजिली अवेलेबल रहेंगे। तो मैं बता दूँ कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि किस तरह से ये काम करता है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। ग्राम फ्लोर हमने डाला है, ग्राम फ्लोर हमारे ओपन पोर्स को श्रिंक करने में हेल्प करता है और हमारे स्किन को टाइटन अप करने लगता है और हमारे ओपन पोर्स को भी रिड्यूस करने में, जो कि बहुत से बड़े बड़े पोर्स होते हैं ना, उसको रिड्यूस करने में भी हेल्प करेगा। और एक बात मैं बता दूँ, अगर आपके फेस पर ओपन पोर्स है बहुत ही बड़े हैं तो उसकी वजह से स्किन का पीएच बैलेंस ना बहुत ही बिगड़ जाता है यार, जिसकी वजह से हमारे फेस पर एक्नी स्कार्स होते हैं। एक्नी स्कार्स के जो भी धब्बे, एक्नी स्कार्स तो आके चले जाते भाई, मगर धब्बे रह जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, मतलब पीएच बैलेंस पूरा ही बिगड़ जाता है अपने स्किन का। तो मैं बता दूँ कि उसको पीएच, ग्राम फ्लोर स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। ग्राम फ्लोर कुछ लोगों को पता नहीं चलता, सिंपल भाषा में बता दूं उनके लिए, चने का आटा, जो कि हमारे स्किन के पीएच बैलेंस को भी बहुत से अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखता है। और मैं बता दूं इसके अंदर मैंने डाला है फलर्स अर्थ, जो कि मामूली लैंग्वेज में हम बोलते हैं मुल्तानी मिट्टी। ये बहुत से कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं, इसे कई पार्लर्स में एज ए फेस पैक यूज़ करते हैं, कई इसके ऊपर भी मैंने कई सारे रेमेडीज़ बताए हैं अपने मुल्तानी मिट्टी के ऊपर। अगर आप इंटरेस्ट हो तो जाकर ज़रूर उस वीडियोज़ को भी देख लीजिए। तो मुल्तानी मिट्टी हमारे स्किन पर ओपन पोर्स के लिए क्या काम करेगा, मीन्स जिससे कि हमारे स्किन पर ओपन पोर्स होने के बाद बहुत सा एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस करता है हमारी स्किन, और ये मुल्तानी मिट्टी उस एक्सेस ऑयल्स को रोकती रखती है, जैसे कि इट बैलेंस ऑयल प्रोडक्शन। ये बहुत सी अच्छा काम करता है, ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, जिससे कि हमारी ओपन पोर्स जितनी है उतनी तक ही स्टॉप हो जाएगी और आगे बढ़ेगी नहीं। ये है मुल्तानी मिट्टी के यूजेस। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्लैक सीड, जिस मैंने स्पेशली इसके अंदर ब्लैक सीड इसलिए डाला कि ये बहुत मेन इंग्रेडिएंट है हमारे ओपन पोर्स को ट्रीट करने में। तो ब्लैक सीड किस तरह से काम करता है बोले तो मैं आपको बता दूँ कि ताकि हमारे स्किन पर ओपन पोर्स होते हैं तो कई सारी, जैसे कि बहुत ही इम्प्योरिटीज़ हमारे स्किन पर रह जाती है ओपन पोर्स के अंदर बहुत से अच्छे से जमा रह जाती है, तो ये ब्लैक सीड्स उस इम्प्योरिटीज़ को निकाल बाहर फेंकता है और उस इम्प्योरिटीज़ के कारण हमारे स्किन पर डेड स्किन सेल्स की एक लेयर क्रिएट होती है, इस लेयर को भी ये रिमूव करता है और आपको साथ ही साथ एक अच्छी ग्लोइंग स्किन देता है ये ब्लैक सीड्स। ये ग्लोइंग में भी बहुत अच्छा काम आएगा। और मैं बता दूं आपको इसके अंदर मैंने और डाला है, जैसे कि हनी डाला है मैंने, हनी में एंटी बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और मैं बता दूँ हनी हमारे स्किन को बहुत से अच्छा नरिश करता है, अच्छा सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। हनी को हम आपके किसी की स्किन ड्राई है तो उनके लिए बहुत ही काम आएगा। ये ऑल स्किन टाइप के लिए बना है, तो मैंने सारे स्किन के अकॉर्डिंग ही मैंने इसमें मटेरियल डाले हैं, जैसे कि हनी ड्राई स्किन वालों को बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा। और हम बात कर लेते हैं अब रोज़ वाटर की। रोज़ वाटर एक बहुत ही अच्छा ब्यूटी प्रोडक्ट है जो कि हर फेस पैक में हम फेस पैक बनाने में यूज़ करते हैं। कई सारे जैसे कि कुछ फेस वॉश हैं, कई सारे टोनर्स हैं जो कि रोज़ वाटर से ही बने हुए थे। इसका मतलब मैं बता दूं आपको कि रोज़ वाटर बहुत ही एक, बगैर रोज़ वाटर के आपको कोई ब्यूटी प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगा।
मीन्स उतना इफेक्टिव है रोज़ वाटर हमारे स्किन को ग्लोइंग देने में, ब्राइटन अप करने में, एक अच्छी शाइन देने में, और साथ ही साथ एक स्किन को पीएच का बैलेंस भी ये मेंटेन करके रखता है रोज़ वाटर, और एक आपको स्मूथ कोरियन वाली स्किन, ग्लास लाइक स्किन होती है ना, उसी तरह से फिनिश देगा आपको। और रोज़ वाटर ओपन पोर्स के लिए, जो कि अंदर से बहुत ही इम्प्योरिटीज निकालने पर आपकी स्किन ड्राई होती है ना, तो उसे नरिश भी ये करने में हेल्प करेगा। तो आप ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए और ज़रूर इस रेमेडी को ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही 100% इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और एक चीज़ की बात में तो मैं बताना भूल गई, वो है टमाटो पल्प। टमाटो पल्प मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि टमाटो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे पोर्स को रिमूव करता है, श्रिंक करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ किसी को एक्नी है, किसी को एक्नी स्कार्स है, किसी को पिंपल्स है, इन सब को रिमूव करने में हेल्प करता है। ये ऑल इन वन, जैसे कि आपको लार्ज पोर्स है, छोटे पोर्स है, और नहीं तो एक्नी है, पिंपल्स है, या एक्नी स्कार्स है, जो भी आपको है ना पिगमेंटेशन, जी हाँ, आपको अगर हाइपर पिगमेंटेशन की भी प्रॉब्लम है अपने फेस पर, तो ये उन सब के लिए ये फेस पैक बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ है और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए अवेलेबल है, ऑल स्किन टाइप्स यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, मतलब इसमें कुछ प्रीफर नहीं है कि फलाने मीन्स नॉर्मल स्किन वाले यूज़ करें, मीन्स ड्राई स्किन वाले, इस तरह से नहीं है, ऑल स्किन यूज़ कर सकते हैं। ये हर स्किन के टाइप के हिसाब में ही इसे याद करते हुए मैंने बनाया है। तो आपको मैं बता दूं, टमाटो पल्प इन सारे प्रॉब्लम्स को रिमूव करता है, आपको एक्नी से हटाता है और एक्नी स्कार्स के धब्बों को भी हटाता है, और साथ ही साथ जो आपके पोर्स हैं उसको श्रिंक करने में भी ये बहुत सब फ़ायदेमंद है टमाटो पल्प। और मैं बता दूं, अगर आपको एक टिप भी मैं ज़रूर एंड में देने वाली हूँ वीडियो को, तो आप ज़रूर इसे वीडियो को एंड तक देख लीजिए। ये रही मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स की कुछ इन्फॉर्मेशन, क्यों कुछ लोग बोलते हैं कि मालूम नहीं बस कुछ भी मिला दिया बता दिया, तो मैंने इसको डिटेल में बताया कि ये किस तरह से अपने ओपन पोर्स पर काम करेगा, कि ग्राम फ्लोर है किस तरह से काम करेगा, इन सारे डिटेल्स मैंने आपको बता दिए हैं। आप जल्द से जल्द इस रेमेडी को ट्राई कीजिए और मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपकी ये रेमेडी कितनी अच्छी इफ़ेक्टिव रही है। तो अब हमने ये फेस पैक अपने फेस पर लगा लेना है। फेस पर लगाने से पहले मैंने एक कॉटन ले लिया है और इस पर मैंने थोड़ा सा रोज़ वाटर ले लिया है, और इसे अपने फेस को अच्छे से मैंने क्लीन कर रही हूँ ताकि हम ओपन पोर्स तक अच्छे से अंदर तक डर्ट रिमूव कर सके। और ये देख लीजिए, मैंने फेस पैक लगा लिया है, अब इसे मैंने वॉश करके बताऊँगा। अब ये देख लीजिए, मैंने फेस को वॉश कर लिया है और फिर से कॉटन पैड पे मैंने थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल लिया है। वॉश करने के बाद भी आपको इसी प्रोसीजर से स्टार्ट करना है, अपने फेस को अच्छे से थोड़ा सा कॉटन पर रोज़ वाटर डालें कि अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए आप, जैसे कि मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। आप रोज़ वाटर बहुत ही अच्छा हमारे स्किन को पीएच का बैलेंस मेंटेन कर रखता है। ये देख लीजिए, मैंने फेस वॉश करने के बाद रोज़ वाटर से एज ए टोनर की तरह मैंने इसे लगाया हुआ है, और आप देख लीजिए मेरी स्किन कितनी सॉफ्ट और ओपन पोर्स फ्री दिख रही है। आपको इसे 1 मंथ तक अल्टरनेट डेज लगाना है। अब इसके बाद आप मॉइस्चराइज करें अपने स्किन को, और ये फेस पैक के बाद आप मॉइस्चराइज ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारे स्किन से बहुत गहराई तक जाके हमारे ओपन पोर से डर्ट निकालता है, तो इसे मॉइस्चराइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैंने निविया का मॉइस्चराइज लिया है। हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। हम इस फेस पैक को तो बना लिया है भाई, तो इसे किस तरह से लगाएं, कब कब लगाना है ताकि आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता दूं आपको, इस फेस पैक को जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैंने किस तरह से अपने फेस पर लगाया है, उसी तरह से आपको लगाना है, और कब कब लगाना है मीन्स आपको मिनिमम 1 मंथ इसे लगाना है आपको, ताकि अगर आपके ओपन पोर्स बहुत ही एनलार्ज है समझो, तो उसे मिनिमम 1 मंथ लग जाएंगे श्रिंक होते होते, तो उनके लिए 1 मंथ लगाना है। 1 मंथ रेगुलर नहीं लगाना है आपको, अल्टरनेट डेज लगाना है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने आज लगाया तो कल छोड़ दीजिए, फिर परसों लगाए, इसी तरह अल्टरनेट डेज, एक दिन और एक मीन्स एक दिन छोड़ के एक दिन, इस तरह से आप एक दिन और एक दिन लगा सकते हैं इसे। टोटली आप मिनिमम 1 मंथ तक लगाइए और आपको रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग मिलेंगे, आप सोच नहीं सकते। तब आगे मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि ये रेमेडी आपको कितनी इफ़ेक्टिव रही है। तो फिलहाल के लिए मैं बता दूं कि एक टिप भी दूंगी मैं आगे चलकर। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, शायद आपको वॉइस भी आ रही होगी बारिश की, तो मुझे पता नहीं, अगर वो वॉइस आ रही है तो आप उसे रिमूव मतलब इग्नोर कीजिए।
क्योंकि बहुत अचानक मौसम चेंज होगा, क्योंकि पता नहीं अचानक से बारिश होने लगी है। और मैं बात कर लूँ मेरी रेमेडी की तरफ, इधर उधर की बातें करना तो फ़िलहाल कभी भी होती है। हाँ, तो मैं फ़िलहाल बता दूँ अगर आपको, मैं ज़्यादातर एक्टिव इंस्टाग्राम पर रहती हूँ, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस करना है तो आप मुझे वहाँ पर देख सकते हैं, और मेरी आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और मैं बता दूँ आपको कि ये किस तरह से, मैंने तो आपको बता दिया कि मैंने 1 मंथ में अल्टरनेट डेज आपको लगाना है, और किस तरह से लगाना है इसका प्रोसीजर तो मैंने बता दिया। अब टिप की बात कर लेते हैं, ज़्यादातर टाइम वेस्ट ना करें, और सस्पेंस तो हो गया ख़त्म। तो टिप आपको करना क्या है, मीन्स आप अल्टरनेट डेज लगा रहे हैं ना भाई, तो आप आज लगा कल नहीं लगाया, जिस दिन आप नहीं लगा रहे उस दिन ये टिप आप ज़रूर यूज़ कीजिए। एक टमाटर ले लीजिए, उसे आधा कट कर लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा मिल्क डाल लीजिए, शायद 1 टेबल स्पून आप मिल्क टमाटर को कट कर लेने के बाद उसके ऊपर ही आपको डाल लेना है मिल्क, और साथ ही साथ थोड़ा सा हनी भी डाल लेना है आपको, उसको वैसे ही रखने देना है। और आपको अपने फेस पर इस तरह से सर्कुलर मोशन में ही लगाना है, क्योंकि आपको ये अल्टरनेट डेज करना है। जिस तरह से आपने कल फेस पैक लगाया और आज ये टोमेटो का यूज़ करना है रेमेडी, फिर नेक्स्ट कल फेस पैक, फिर नेक्स्ट इस तरह, क्योंकि ये इस तरह से रेमेडी आपको इस तरह से प्रोसेस करने से आपके ओपन पोर्स 1 मंथ में इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द कम हो जाएंगे। तब आके मुझे कमेंट्स कर देना कि भाई आप ही, तुमने तो बहुत अच्छी बेहतरीन रेमेडी बता दी है ओपन पोर्स के लिए, तो देख लीजिएगा आपके ओपन पोर्स बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, आपको गुड बाय कह देंगे आपके ओपन पोर्स, फिर वापस आने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि आपको मैंने इतना इफेक्टिव रेमेडी बताया कि वो फिर दोबारा आपके फेस पर आने का तो छोड़ो, सोचेंगे तक भी नहीं कि आपके फेस पर वो ओपन पोर्स आए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो जल्द से जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरों का भी भला हो जाए भाई, आप अपने पास ही क्यों रख लेते हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन का भी बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। और ज़्यादातर मैंने जैसे कि बताया, ज़्यादातर मैं एक्टिव इंस्टाग्राम पर ही रहती हूँ, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चंस करना है तो वहाँ पर भी कर ले सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट्स पर भी करके पूछ ले सकते हैं। और जो भी मेरे वीडियो को देखने के बाद हाफ एन आवर के अंदर कमेंट करता है उनको हार्ट ज़रूर मिलेगा। तो फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।